कोई कोई दिव्य बना लेते हैं, कोई कोई उसको सामान्य ही रथ से यात्रा कर लेते हैं सारी, और कुछ तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये जो रोगों से युक्त करना है, ये अच्छी बात नहीं है इस रथ को। इसलिए कबीरदास ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। उन्होंने इस रथ को, शरीर को क्या कहा? चदरिया कहा, चादर। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। शुकदेव ने इस चादर को क्या कर दिया? निर्मल, मल रहित। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, जैसी ली थी वैसी ही वापस दे दी। अगर हमारे को कोई ओढ़ने के लिए अपनी चद्दर दे कि चलो आज आपके पास चद्दर नहीं है और आपको चद्दर की आवश्यकता है क्योंकि आपको हवन में जाना है तो आपको ठंडी ना लगे, इसलिए आप मेरी चद्दर ले जाओ, और आप वापस आकर के उसको वैसे की वैसी यदि वापस लौटा दें चद्दर को, तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, आप धन्यवाद भी देंगे और वैसी ही लौटा भी देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। और उसको आप 10 जगह से फाड़ तोड़ के ले आए, कीचड़ गारा लगा के ले आए, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? फिर उसको बुरा भी लगेगा और वो दोबारा शायद आपको नहीं देगा कि इसको केयर करना नहीं आता है, मैंने तो कितनी कृपा करके कितनी कीमती चद्दर इसको दी थी, इतनी सुंदर, और ये तो इतना नादान है कि इसको फाड़ के भी ले आया, गंदा भी करके ले आया, तो इसको संभालना नहीं आता है, इसलिए अगली बार इसको ये इतनी कीमती चद्दर नहीं देनी। तो ये मनुष्य का शरीर है, ये सबसे कीमती चद्दर है, भगवान ने सबसे सुंदरतम शरीर हमें दिया है, और इसको हम अपने गलत आहार से, गलत विचार से, गलत आचरण से, गलत दिनचर्या से इसको अशुद्ध करते हैं, रोगी बनाते हैं, इसको नष्ट भ्रष्ट करते हैं। जो इससे लक्ष्य प्राप्त करना था, भोग अपवर्ग, वो तो करते नहीं हैं, और उल्टे उल्टे काम करके पाप बटोर करके इसको भी गंदा कर देते हैं, तो भगवान शायद अगली बार मनुष्य की योनि तो नहीं देगा, इसको नहीं संभालना आता है। और कुछ इसको निर्मल कर देते हैं, जैसे शुकदेव ने की शरीर को ही धन्य कर दिया, निर्मल कर दिया। कोई ऐसा नेता कुर्सी के ऊपर बैठे कि वो कुर्सी धन्य हो जाए उस नेता के पवित्र चरित्र से, तो सब उसकी प्रशंसा करेंगे कि भाई इन्होंने तो इस सिंहासन को सुशोभित कर दिया, इनके बैठने से ये सिंहासन सुशोभित हो गया। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो सिंहासन से वो व्यक्ति सुशोभित हुए, अगर सिंहासन से उतार दें तो उनकी कोई कीमत नहीं है। वो जो सौंदर्य है उसके पास वो कुर्सी का है, यदि उसको कुर्सी से नीचे उतारें तो 2 कोड़ी का चरित्र है, फिर तो वो शोभा उसकी नहीं है। और कभी ऐसे होता है कि जिस कुर्सी के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री जैसे ऐसे चरित्रवान महान कोई व्यक्ति बैठ जाए, तो फिर उस कुर्सी की शोभा, पद की शोभा बढ़ जाती है।
तो हम इस शरीर को दिव्य भी बना सकते हैं, सामान्य भी बना सकते हैं और इसको आसुरी नौका भी बना सकते हैं। तो यहाँ भगीरथ ने बहुत कठोर तप किया, भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया, अपने पूर्वजों का जो तीन पीढ़ी से बीच में अटका हुआ संकल्प था दादा परदादाओं का, उसको पूरा किया। तो उनका शरीर क्या हो गया? धन्य हो गया, उनका शरीर हो गया दिव्य। इसलिए यहाँ पर कहा भगीरथो अपि राज ऋषि, राजा हैं वो यद्यपि, लेकिन उनका चरित्र कैसा है? ऋषि जैसा है। तो इसलिए उनको उपाधि क्या मिल गई? राजऋषि, राजा होते हुए ऋषि। तो कोई ब्रह्मचारी ऋषि, सन्यासी ऋषि, कृषक ऋषि, करता तो खेती है लेकिन आचरण कैसा है? ऋषि जैसा। तो कहीं भी व्यक्ति ऋषि जैसा आचरण कर सकता है, गृहस्थ ऋषि, राज ऋषि, ऐसे ऋषि बन सकते हैं। तो इनका नाम है राज ऋषि। राज ऋषि भगीरथ अपि, राज ऋषि भगीरथ भी दिव्यम संदनम आस्थितः, उस समय दिव्य रथ पर बैठे हुए थे और दिव्यता जिसके अंदर आ गई उसका अनुसरण ये पूरी प्रकृति करती है। गंगा तो प्रकृति का एक छोटा सा पार्ट है, बल्कि ये पांचों भूत ऐसे योगी का अनुसरण करते हैं जिसने इस दिव्यता को प्राप्त कर लिया है। दिव्यम संदनम आस्थितः, दिव्य रथ में वो बैठे हुए हैं। प्रायाद अग्रे महातेजा गंगा तम च अपि अनुव्रजत, और प्रायाद अग्रे, जहां से ये प्रयाण किया, जहां से यात्रा शुरू हुई, प्रायाद अग्रे महातेजा, आगे आगे तो महातेजस्वी भगीरथ चल रहे हैं। महातेजा मतलब भगीरथ, महान तेजस्वी। प्रायाद अग्रे महातेजा गंगा च तम अनुव्रजत, और गंगा उसका अनुसरण कर रही है। एक स्थिति ये भी है कि साधक भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि भगवान जी आप हमें दर्शन तो दो, हमारे ऊपर कृपा तो करो, हमारा प्रणाम तो स्वीकार करो, कब से आपको खोजते हुए भटकते हुए हम ठोकरें खा रहे हैं इस संसार में, तनिक हमारी बात तो सुनो। ये एक स्थिति है, और एक स्थिति है जिसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, वो भी दूसरी स्थिति है। और एक तीसरी स्थिति है कि भगवान साधक के पीछे पीछे आ रहा है, तो ये सबसे उत्तम स्थिति है। उनका श्लोक है ना रैदास का, मन चंगा तो खटोती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो जिसमें वो बनाते थे, जूते बनाते थे, चमड़े को भिगोते थे, उसी में गंगा प्रकट हो गई, अभिव्यक्त हो गई। कबीरा मन निर्मल हुआ ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरी फिरें कहत कबीर कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो गया तो अब भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं कि रुको तो सही, क्योंकि मुझे भी तो ऐसे साधक की खोज थी, कोई तो ऐसा मिले, मैं भी उसी को ढूंढ रहा था। पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है, भगवान जैसा कोई नहीं। प्रार्थना गाते हैं ना आप, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, परमात्मा तो सबसे बड़ा है, उसका जैसा और दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ भी महातेजा प्रायाद अग्रे, प्रयाण जहाँ से किया गंगोत्री से या बिंदुसर से, वहाँ से लेकर के महातेजा अग्रे, ये महातेजस्वी भगीरथ आगे आगे चल रहे हैं। गंगा च तम अपि अनुव्रजत, और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही है। या तो इनके पूर्वज गंगा को ला ही नहीं पाए, इनके पूर्वज गंगा की स्तुति कर रहे थे कि आप आओ और हमारे पूर्वजों को जलांजलि देकर के कृतार्थ करो, और यहाँ पर गंगा इनके पीछे पीछे चल रही है। तो ये जो शक्ति है आत्मा के पास, ये केवल मनुष्य के शरीर में ही अभिव्यक्त हो सकती है,
और किसी भी शरीर में ये शक्ति तो है, आत्मा में उतनी ही शक्ति है सभी आत्माओं में। पशु पक्षियों की जो आत्मा है वो भी आत्मा तो वैसी ही है, लेकिन उन शरीरों में ये शक्ति अभिव्यक्त नहीं हो सकती है, ये केवल इस एक ही शरीर में अभिव्यक्त हो सकती है। और ये भी तब हो सकती है जब इस शरीर को तपस्या कर करके दिव्य बना दिया जाए। गगनाथ शंकर शिरह, गगन से ये कहाँ गिरी, शंकर सिर, शंकर के सिर पर गिरी। तथा धरणिम आगता, और तब फिर धरणी पे उतरी। तो शंकर क्या है, पहले जो दिव्यता आती है वो सबसे पहले आती है सहस्रार चक्र में, बुद्धि तत्व में, महतत्व में। पहले व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है और फिर वो उतरती है पूरी धरणी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी मतलब हमारा शरीर, शरीर के अंग प्रत्यंग में, एक एक रोम में वो दिव्यता उतरती है। लेकिन सबसे पहले वो कहाँ उतरती है, महतत्व में, हृदय में और बुद्धि में उतरती है सबसे पहले। सबसे पहले व्यक्ति का हृदय और बुद्धि, विचार, ये दोनों पवित्र होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी ऐसे ही कहा, अक्लिष्ट वृत्ति अभ्यास वैराग्य आदि से पहले अपने विचार को पवित्र किया जाए और फिर मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। तो प्रसाद का मतलब निर्मलता भी होता है, प्रसाद का मतलब सुख भी होता है, आनंद भी होता है, खुशी होती है। तो एक तो संसार के इंद्रियों के भोगों को प्राप्त करके व्यक्ति सुखी होता है, आनंदित होता है, और दूसरा उस परम प्रसाद को प्राप्त करके, परम कृपा को प्राप्त करके वो आह्लादित होता है। उसको शास्त्रों में प्रसाद कहा, प्रसादे ही सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते। वो प्रसाद जब मिल जाता, गीता का श्लोक है ये, दूसरे अध्याय का, वो प्रसाद जब मिल जाता है तो इसके सब दुखों की हानि हो जाती है, सब दुख मिट जाते हैं। नहीं तो एक एक दुख को मिटाने के लिए व्यक्ति अलग अलग उपाय करता है। शरीर के दुख मिटाने के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, फिर डॉक्टरों में भी आँख का दुख मिटाने के लिए आँख वाले डॉक्टर के पास जाओ, गले का दुख मिटाने के लिए गले वाले के पास जाओ, लीवर का, हार्ट का, किडनी का, सब अलग अलग डॉक्टर हैं। तो अलग अलग दुख मिटाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है। फिर मन का दुख है तो या तो किसी साधु संत के पास जाओ, या तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, मनोवैज्ञानिक के पास जाओ। लेकिन यहाँ अगर चित्त अपना निर्मल कर लिया राग द्वेष से, घृणा आदि से, प्रमाद आलस्य से, इन सब से रहित हो गए यदि हमारा चित्त, तो ये मन का जो प्रसाद है, मन की जो प्रसन्नता है, मन का जो सौमनस्य है, ये सब दुखों का नाश कर देता है। तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किसको पकड़ लें, अपने मन को पकड़ लें, उसके एक एक दोष को, दुर्गुण को देखना और फिर उसको भागवत कृपा से हटाना। तो इस प्रकार से सबसे पहले ये गंगा कहाँ उतरी है, गंगा मतलब पवित्रता, कल्याण करने वाली, आह्लाद देने वाली, तीन नाम बताए ना गंगा की। तो कुल मिला के गंगा की धारा कितनी हो गई, सात, और हमारी जो बुद्धि है उसके भी कितने पार्ट हैं, सात। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वो जो प्रज्ञा है रितंभरा, जो सबसे लास्ट वाली है, उसके सात प्रकार हैं। तो ये गंगा क्या है, वो रितंभरा प्रज्ञा ही है। तो उसके सात भाग हैं, एक बुद्धि है ह्लादिनी, खुशियां देने वाली, एक है पावनी, पावन करने वाली, एक है नलिनी, नलिनी मतलब वैराग्य वाली, डिटैचमेंट, असंपृक्त, एक है सुचक्षु, जिसमें दृष्टि पवित्र हो जाती है। बुद्धि कहती है कि संसार में जितने भी आत्माएं हैं वो सब अपना ही स्वरूप हैं, तो अपने ही स्वरूप की तरह देखें। इसी को गीता में कहा दिव्य दृष्टि। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू मेरे रूप को, विराट रूप को इन चक्षुओं से तो नहीं देख पाएगा,
तो इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, तब तू इसको देख पाएगा। तो ये चौथी गंगा की धारा का नाम है सुचक्षु, और उससे अगली है सीता। सीता मतलब समृद्धि। व्यक्ति के जीवन में असली समृद्धि जब आती है तब उसकी बुद्धि सीता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है उसको। सीता च सिंधुश्चैव, और फिर सिंधु, सागर को भी समुद्र को भी सिंधु कहते हैं, जिसमें अथाह जल है। आज तो हम ज्ञान की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कहीं दर्शन पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कहीं गीता पढ़ते हैं, और एक मनुष्य शरीर में ही बुद्धि का वो स्तर भी है कि जिसमें सारे के सारे वेदों का ज्ञान अवतरित हो जाता है। यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभिवारः। तो ऋषियों के हृदय में ये जो सारे वेद हैं ये कैसे अभिव्यक्त हुए, जब उनकी चित्त की स्थिति अत्यंत निर्मल हो गई, तो बुद्धि ही सिंधु बन गई। अब आप जो बोलेंगे वो शास्त्र बन जाएंगे। योगी जो बोलता है वो शास्त्र बन जाते हैं, लोग उनको लिख लेते हैं, वही शास्त्र बन गए। शास्त्र क्या है? ऋषियों के वचन, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने बताया, वो हमारे लिए शास्त्र बन गए, जो उनकी वाणी से निकला। और उनकी वाणी से जो निकला वो पहले कहाँ आया? उनके हृदय में आया, वो ज्ञान उनकी बुद्धि में आया। तो इसलिए गंगा की यहाँ पर सात धाराएं जो बताई उनके लिए कह रहे हैं कि ये कैसे उतरी। गगनात शंकर शिरह, गगन से ये शंकर के सिर पर उतरी। शंकर मतलब कल्याणकारी, ऐसा योगी। तो सबसे पहले भगवान का दिव्य ज्ञान वो कहाँ उतरता है? योगी के मस्तिष्क में, योगी के हृदय में, योगी की बुद्धि में। और उसके बाद धरणिम आगता, फिर सारी धरती के ऊपर आई वो। पहले गगन से, आकाश से, स्वर्ग लोक से भगवान शंकर की जटाओं पे उतरी, जटाओं से फिर सात धाराओं के रूप में पूरी पृथ्वी के ऊपर उतरी। तो ये गंगा रितंभरा प्रज्ञा है, और ये पहले किसी योगी के बुद्धि तत्व में उतरती है, और उसके बाद उसके रोम रोम में अवतरित होती है। फिर उसकी दृष्टि, उसकी वाणी, उसकी इंद्रियां, उसके शरीर का एक एक बाह्य अति बाह्य अंग भी कैसा हो जाता है? दिव्य हो जाता है। और वो दिव्यता कहीं भी करोड़ों रुपए देकर के भी बाहर मिल नहीं सकती है, वो केवल साधना करके ही योगी उसको प्राप्त कर सकता है। और उस साधना कैसी करनी पड़ेगी? भगीरथ। ये गंगा किसको मिली? भगीरथ को मिली, अंशुमान को नहीं मिली, दिलीप को नहीं मिली, काफी तप किया उन्होंने। तो ये भगीरथ पुरुषार्थ के बाद मिलेगी, ये रितंभरा प्रज्ञा। माने एक जो हमारा रूटीन लाइफस्टाइल बन गया ना, उतने मात्र से नहीं मिलेगी कि जी हम भी 4 बजे उठते हैं, हम भी दिन में भी नहीं सोते हैं, यज्ञ आदि भी करते ही हैं, सेवा भी करते ही हैं, कुछ गलत काम भी करते ही नहीं हैं, तो ऐसे करते करते हमें कुछ दिन में मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। हम उनको किस भाव से करते हैं, कितनी हमारे अंदर अभिप्सा है उसको प्राप्त करने की, कितना हमारा वो लक्ष्य है, कैसा हमारा संकल्प है, कैसी हमारी भावना है, वो सब जुड़ करके तब वो भगीरथ पुरुषार्थ कहलाएगा। इतना सामान्य रूप से जो कर्म करते हैं वो फिर पुरुषार्थ, भगीरथ पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अपने इन्हीं पुरुषार्थ को हम क्या बना सकते हैं? भगीरथ पुरुषार्थ। कैसे बनाएं? एक पल भी दिमाग से ये ना निकले कि मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है और मेरा लक्ष्य क्या है। भगीरथ को एक पल भी ये विस्मरण नहीं होता था कि मुझे गंगा की प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है। अटल रूप से, अटूट रूप से, हर पल हर क्षण उसका एक ही लक्ष्य था
तो ये भगीरथ कहलाएगा। फिर तो ऐसे जो भगीरथ हैं वो धरणी के ऊपर उतार लाते हैं उस गंगा को। तो ऐसे योगी के अंग प्रत्यंग में वो पवित्रता, वो तेजस्विता, इसलिए यहाँ पर इनका संबोधन भी क्या किया 14 नंबर में, महातेजा, महान तेजस्वी, माने सूर्य चंद्र महान तेजस्वी हैं, तो उनका जैसा संबोधन यहाँ भगीरथ को दिया। और देखो कितने लाखों वर्षों के बाद भी आज भी भगीरथ का यश, उसकी कीर्ति बिल्कुल धवल है। तो इसके लिए इतना ही पुरुषार्थ करना होता है। प्रायाद अग्रे महातेजा गंगा तमचे अपि अनुव्रजत गगनात शंकर शिर ततो धरणी मागता। इसके बाद वो धरणी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर उतरी, ऐसे आई गंगा मैया पृथ्वी पे। तो ये स्थूल गंगा के बारे में भी है और ये अपनी आध्यात्मिक गंगा के बारे में भी है, ये बात बुद्धि के बारे में भी है। तो गंगा को जब शिव जी का जो सिर है उससे निकलता हुआ दिखाते हैं ना, तो गंगा के निकलने का मतलब क्या है? जो योगी है उसका सिर कैसा होता है? गंगा की तरह पवित्र। उसके विचार कैसे होते हैं? गंगा की तरह पवित्र भी होते हैं और गंगा की तरह शीतल करने वाले भी होते हैं। गीता में कहा लोका नोद्विजते यस्य, जिसकी बातों से, जिसके आचरण से लोक उद्विग्न नहीं होते हैं। लोका नोद्विजते च यह, लोक उसको उद्विग्न नहीं करते हैं और वो लोगों को उद्विग्न नहीं करता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो कभी कभी हमारे वाणी से, हमारे विचार से दूसरे उद्विग्न हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप अच्छे भले बैठे हैं शांति से और वो आके आपके पास दो चार बातें ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई पिंच कर रहा हो, जैसे सुई चुभो रहा हो ना, तो अगला व्यक्ति भी सुन करके इरिटेट हो जाए। ऐसे उनकी बातें होती हैं और उसमें वो गाली नहीं निकालते, बातें वो आराम आराम से ही करते हैं, पर उनकी बातों में कुछ ऐसा कुछ घुला हुआ होता है कि वो दूसरे व्यक्ति को उद्विग्न कर देते हैं। तो ये योग की निशानी नहीं है। और कभी कभी हमारी किसी बात से दूसरे व्यक्ति उद्विग्न हो जाते हैं, हमारा, हमें लगता है हमारा तो ये भाव ही नहीं था, ये व्यक्ति क्यों उद्विग्न हो गया, लेकिन क्योंकि आप, हमारा तो भाव नहीं था लेकिन तो भी हमारी वाणी में वो हित भरा हुआ नहीं था, वो माधुर्य भरा हुआ नहीं था, वो सत्य भरा हुआ नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धि मिली हुई थी कि दूसरा व्यक्ति उससे उद्विग्न हो गया। तो ये दोनों ही त्याज्य बताई हैं गीता में, कोई हमारी वाणी से उद्विग्न हो या हम किसी की वाणी से उद्विग्न हो। तो इसलिए योगी का जो मस्तिष्क है वो गंगा जैसे होता है, पवित्र भी होता है और शीतल भी होता है। उसके विचारों से दूसरे को शीतलता मिलती है, दूसरे को पवित्रता मिलती है। जो भगवान शिव का जो चित्र है ना, वो एक योगी का वर्णन है, ऊपर से लेकर नीचे तक। सिर से क्या निकली? गंगा। माथे पे चंद्रमा, चंद्रमा भी द्वितीया का, पूर्णिमा का भी तो लगा सकते थे जो सबसे सुंदर होता है। द्वितीया का मतलब क्या है? उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है रोजाना, कभी भी वो ये नहीं कहता है कि मैंने सब जान लिया है। अगर तो पूर्णिमा का लगाते तो उससे आगे तो बढ़ सकता नहीं है, एंड हो गया फिर तो। तो कितना भी महान योगी क्यों ना हो तब भी वो क्या कहेगा कि मैंने जो जाना वो तो कण के बराबर है और जो नहीं जाना गया वो पर्वत के बराबर है। अगस्त ऋषि जो थे जिन्होंने 7 बार जन्म लिया और पूरे जीवन पढ़ते रहे, और फिर जब उनसे पूछा गया कि इंद्र ने आके उनसे पूछा कि मैं हर बार आपको वरदान देता हूँ, आप हर बार मेरे से वरदान मांगते हैं और एक ही वरदान मांगते हैं कि मैं पूरे जीवन भर ज्ञान की उपासना करता रहूं। तो अब तो ऐसे करते करते आपको 7 जन्म बीत गए, तो अब तो आपका ज्ञान पूरा हो गया होगा। बोले नहीं, इन 7 जन्मों में अहर्निश तप पुरुषार्थ करते हुए जो कुछ मैंने जाना वो ऐसे ही है कि जैसे समुद्र के किनारे जो धूल होती है उसका एक कण,
रेत पड़ी होती है ना समुद्र के किनारे, तो जो मैंने जाना वो तो समुद्र के किनारे पड़ी हुई जो धूल है उसके एक कण के बराबर है, और जो मैंने नहीं जाना वो समुद्र के बराबर है। जैसे आगे समुद्र में कितनी जल राशि है, अनंत है, उसको कौन जान सकता है कितना जल है। तो जो जानना बाकी रह गया वो तो अनंत है, और जो जाना वो बहुत कम है। तो इसलिए भगवान शिव के मस्तिष्क पे क्या लगाया, द्वितीया का चंद्रमा, कि ज्ञान उसका बढ़ता रहे। गला कैसा है, नीला नीलकंठ, सांप भी है गले में। तो जो ऐसे जो हिंसक त्याज्य हे जो प्राणी हैं उनको भी योगी गले लगा देता है, जिसको सब दुत्कार देते हैं ना उनको योगी गले लगा लेता है, इसलिए उस सांप को गले में रखते हैं। और उन्होंने विष हलाहल पी के अपने कंठ में ही रोक लिया, नीचे नहीं जाने दिया। अगर विष नीचे चला जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी हलाहल से। तो ऐसी विषैली बातें यदि इधर उधर से कहीं सुन भी ली तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको यहीं रोक लेना चाहिए। अपने अंदर डाल ली तो अपना नुकसान होगा, और दूसरे को बता दी तो उनका नुकसान होगा। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, इधर उधर से निंदा चुगली सुनी, इधर से सुनी उधर जाके लगा दी, तो हो गया झगड़ा फिर। तो जो साधक होगा, जो योगी होगा, वो ये काम कभी नहीं करेगा, चुगली चाटे इधर उधर की बातें, वो रोक लेता है। जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना, कहीं किसी का कोई पाप कोई दोष देखा भी उसको बता दिया, उसके बाद आगे उसकी चर्चा किसी से भी नहीं करता है। तो ये आज समय हो गया, ये हमने पढ़ा कि गगन से गगनात छंकर शिरह, गगन से गंगा भगवान शिव के सर पर उतरी और तत धरणिम आगता, फिर वो धरणी पर पृथ्वी के ऊपर उतरी, तो फिर ज्ञान हमारे अंग प्रत्यंग में उतर जाता है। तो इस प्रकार से ऐसी ही पवित्र गंगा की हम उपासना करें, शेष कल पढ़ेंगे, आज यही पाठ को विराम देते हैं। ओ शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। प्रभु के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते, नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते, नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते।
हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते।